everybody, assalamu alaikum and welcome back to my youtube channel after a long time. Jitna long bolu utna kam hai kyunki waqai bahut long time ho gaya hai. Baat to sahi hai. To finally welcome back to my youtube channel all the way from uk kyunki baku se aane ke baad pakistan mein aur phir travel ka koi bhi vlog maine upload nahi kiya. Haan, beech mein maine banaye but I don't know why I'm so lazy ki mujhe एडिट करने में मौत आती है. पता नहीं क्यों यार, मेरे से एडिटिंग नहीं होती. मेरे से व्लॉग्स बन जाते हैं लेकिन एडिटिंग मेरे से नहीं होती क्योंकि मिरहा के साथ टाइम इतना कम मिलता है तो मुझसे एडिट नहीं होता. एनीवेज आई विल अपलोड दिस व्लॉग, आई विल मेक श्योर कि मैं इसको अपलोड करूं. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली अल्लाह करे आगे वीडियोज आए, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए. सो बेसिकली टूडे वी आर गोइंग टू कास्ट आर वोट. मैं पहली दफ़ा यूके में वोट कास्ट करूंगी. सो आई एम सुपर एक्साइटेड कि क्या सीन है. पाकिस्तान में तो मैंने एक दफ़ा वोट कास्ट किया हुआ है लेकिन यहाँ पर नहीं किया हुआ, तो आज वोट कास्टिंग डे है तो हम लोग अभी बस जाने लगे हैं. अभी आई विल गो डाउन स्टेयर्स, मेक ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम लोग जाएंगे. सो आई टेक यू गाइज अलॉन्ग. सबसे पहले नीचे चलते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं. नाश्ता भाई रेडी हो गया है, गरम गरम नाश्ता. अब इसको कर लें उसके बाद फिर वोट्स के लिए जाना है. मिरहा को मैंने तैयार कर दिया है लेकिन ये कैप मैंने नहीं पहनाई थी, इसने खुद पहनी है. मिरहा हाय, गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम, 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 हेलो मिरहा, लुक मिरहा, मिरहा लुक 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 मिरहा, चलो फिर चले. हाय, इसको देखो, इसको इतना फैशन का शौक है मैं क्या बताऊं. तो चलें जी, लेट्स गो डाउनस्टेयर्स. आई मी जुना गाइज, वी आर गोइंग नाउ. हम लोग पैदल ही जा रहे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा करीब है यहाँ से, कोई 3-4 मिनट्स की वॉक है तो हमने सोचा हम पैदल ही चले जाते हैं. ये मिरहा मैडम, और आज इतना प्यारा मौसम है, इतना मज़े का सनी डे है. मिरहा हाय. चलो भाई, तो वी आर गोइंग. मिरहा को मैंने स्ट्रॉलर में डाल लिया है तब हम जा रहे हैं. यहाँ से लिटरली साथ वाली रोड है वहाँ पे हमने कास्ट करना है. उसके लिए सिर्फ आपको आपका रेजिडेंट कार्ड या पासपोर्ट या जो भी आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है सिर्फ वो चाहिए होता है, और वो मैंने रख ली है. मामा भी साथ है, पीछे आ रही हैं. तो बस अब हम वॉक करते हुए जा रहे हैं गाइज. वो सामने हमारा पोलिंग स्टेशन है, हम लोग इधर से अंदर जा रहे हैं. यहाँ जाके अंदर पोलिंग स्टेशन है. ओ व्लॉग के चक्करों में ना मेरी बेटी का स्ट्रॉलर 2 दफ़ा टक टक लगा है. तो बस सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक टाइमिंग्स होती हैं, तो हम लोग अब अंदर जा रहे हैं. तो ब्रॉडकास्ट करने लगी हूँ, ये सारी डिटेल्स मेंशन है. तो इधर हम लोग करेंगे लेबर को दिए, और ये है ये वाला. लो भाई, हम लोगों ने वोट कास्ट कर दिया. बस इतनी सी बात थी ना, अंदर रश है, कुछ भी नहीं है. अनलाइक पाकिस्तानी पोलिंग स्टेशन जहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइंस होती हैं, पता नहीं यहाँ का क्या सीन है कि एक अलग सी बात है. कोई रश नहीं है, कोई कुछ नहीं, अंदर कोई भी नहीं था. 7 o'clock से रात को 10 बजे तक के टाइमिंग्स हैं और हम लोग गए हैं. 1 मिनट हमें लगे, हमने अंदर वोट कास्ट किया है और अब हम वापस जा रहे हैं. बस इतनी सी बात थी, हमने लेबर को वोट किया है. तो अब लेट्स सी क्या बनता है. हम लोग अब यहाँ से बाहर जा रहे हैं, फिर वापस घर जा रहे हैं. अभी वही शाम को मैंने जाना है अपनी एक फ्रेंड से मिलने, तो मैं यहाँ पे टेस्टू आई हूँ. रास्ते में ही था तो मैंने सोचा उसके लिए एक बुके ले लेती हूँ. तो ये बिल्कुल सामने टेस्को एक्सप्रेस है. उफ, स्ट्रॉलर चलाना और साथ व्लॉगिंग करना इज़ अ टास्क बिकॉज स्ट्रॉलर एक हाथ से नहीं चलता. तो बस अब मैं टेस्को से बुके लूँगी, फिर घर जाऊँगी बिकॉज 6 बजे हम लोगों ने मिलने जाना है. इट्स ऑलरेडी 4. तो बस अब यहाँ से अंदर जाना है एंड लेट्स सी, बस कोई अच्छा सा बुके मिल जाए मुझे. और ये सारी हैं, बस इतनी सी कलेक्शन है. मामा को तो ये वाला अच्छा लगा, ये वाला भी अच्छा. अगर हम सिर्फ रेड रोजेज़ वाला ले लें, और ये देखें ये वाला भी अच्छा. अगर रेड रोजेज़ वाला ले लें, प्यारा लग जाए. लेट्स सी कौन सा लेते हैं, अभी बस देख रहे हैं. ये वाला हम लोगों ने ले लिया है, बस लेट्स गो. चलो भाई, लेट्स गो होम नाउ, और घर चल के तो फिर तैयार होते हैं. भाई बड़ा ही हसीन मौसम है, ऐसा मौसम कभी कभी होता है, वरना यहाँ पे तो ज़्यादातर बारिशें ही होती रहती हैं. इतना हसीन मौसम है, सनी डे है. सोच रही हूँ कि मैं आज डेनिम स्कर्ट पहन लूँ, तो ये स्कर्ट मैंने निकाली है, उसके साथ ये शर्ट है हाई नेक,
और ये वाले बूट्स, इसका दूसरा पाँव पता नहीं मिर्हा ने कहाँ रखा है, ये शूज़ हैं और मिर्हा का मैंने ये वाला निकाला है, ये इसके साथ मिर्हा के ये वाले बूट्स हैं। तो अब जल्दी से हम लोग तैयार हो जाते हैं बिकॉज इट्स 6 और 6:30 तक हम लोगों ने निकलना है। हाय गाइस, हम लोग तैयार होके रेस्टोरेंट में आ भी गए और रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला बिकॉज फिर बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। हम तैयार घर गए वेटिंग के बाद और उसके बाद बस तैयार हुए एंड नाउ वी आर हियर, वेटिंग फॉर माय फ्रेंड, वो बस आ रही है, शी इज़ ऑन वे। लुक एट मिर्हा, इसको देखें, ऑल सेट। बस यहाँ पे हम लोग हैं तो बस वो आ रही है। टेल मी यू हैव अ बेबी विदाउट टेलिंग मी यू हैव अ बेबी। इसने सारे टिशू नचुर मुचुर करके सारे इधर रख दिए, बिल्कुल साफ थे टिशू और इसने ये हाल कर दिया टिशू का। और अब पढ़ाई कर रही है यहाँ पे, ए बी सी डी, ए बी सी डी। हेलो, मेरी फ्रेंड आ गई हैं। बेसिकली शी इज़ गेटिंग मैरिड इन 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 टू वीक्स। हाँ, तो ये बस पाकिस्तान जा रही है और तो ये हमारी ब्राइड टू बी हैं। और ये मेरे, हम लोगों ने खाना भी ऑर्डर कर दिया है, लेट्स सी कैसा खाना होता है, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अब जल्दी से खाना खाते हैं तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या सीन है। देखो अपना बैग पहन के जा रही है। बाय बाय एवरीबॉडी जी, बाय बाय गाइस। अभी हम लोग मीठा खाने आए हैं तो हम लोगों ने कहा कि मीठा तो ज़रूरी है, बेशक डाइट पे हैं या जिम जा रही हैं या जो भी हैं, लेकिन मीठा खाना ज़रूरी है। तो मीठा खाने यहाँ पे आए हैं और बस अपना ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं। मेरा मुझे लगता है कि थक गई है। चलो तो बस अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या मीठा खाएं, बस ऑर्डर करते हैं अभी। स्ट्रॉबेरी मीठा शीट हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया है। ये मैंने वॉफल मंगवाया है अपने लिए। ये देख के लग रहा है कि मैं डाइट पे हूँ। और उसकी आइसक्रीम मिर्हा मैडम के पास है जो वो इंजॉय कर रही है और नौरोज़ ने ये मंगवाया। यार तो घर आ गए थे और घर आके मेरा इतना सर दर्द हो रहा था, आई डोंट नो, यहाँ पे बाहर इतनी आवाज़ चल रही होती है शाम के टाइम कि जब आप ऐसे सर लेके बाहर निकलो तो मुझे तो अक्सर सर दर्द होने लग जाता है, अनलेस के सर पे कैप वगैरह ना पहनी हो तो मेरा सर दर्द होने लग गया इतना ज़्यादा। तो आते साथ चेंज करने के बाद मैंने सबसे पहले चाय बनाई और अब मैं चाय पी रही हूँ। और मिर्हा को भी मैंने चेंज करवा दिया था, मिर्हा थोड़े से कार्टून्स देख रही है और उसके बाद फिर हम सो जाएंगे चोने पोड़े पोड़े। ओके सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ बिकॉज बहुत थकावट हो गई और अब हम लोग सोने लगे हैं। उम्मीद करती हूँ कि इतने दिन बाद ब्लॉग नया आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा थोड़ा बहुत। तो अब सोने लगे हैं, होपफुली कल भी एक नए ब्लॉग में मैं आप लोगों से मिलूंगी, आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी मोटिवेशन रहे। मिलते हैं नए ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।